Margarita. Chiquita. दोस्तों अभी जो आपने देखा ये एक मगरमच्छ है जिसे पालतू कुत्ते की तरह पाला गया है। अब ऐसे जानवरों को पालना सही है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप इस जापानीज आदमी को देखिए जो इस खतरनाक घड़ियाल के साथ 40 साल से रह रहा है। दोस्तों ये घड़ियाल 7 मीटर लंबा और 45 किलो भारी है। ये इस आदमी के साथ सोता भी है और तो और नोगोमित्सु नाम के ये शख्स इसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं, क्योंकि इनके लिए ये आज भी एक बच्चा ही है। और इस रेप्टाइल की परवरिश नोगोमित्सु बचपन से ही करते आ रहे हैं, और जब ये इस पेट को जापान की गलियों में लेकर निकलते हैं तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक घड़ियाल को पेट के रूप में देखकर चौंक जाते हैं। खैर आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, अगर इंडिया में किसी घड़ियाल को पेट के रूप में पालना अगर लीगल होता तो क्या आप ये जोखिम उठाते या नहीं। दोस्तों अब घड़ियाल से शेर की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो आप ये जानते ही हैं कि अरब कंट्री में शेरों को घर में पालना बिल्कुल ही आम बात है, लेकिन इस आदमी ने बचपन से ही शेर को भेड़ बकरियों के साथ पाला है और शायद इसी वजह से ये शेरनी इन भेड़ों के साथ मिलकर रहती है और इन पर हमला नहीं करती। लेकिन इस शेरनी के मालिक को इसका पेट भरने के लिए रोज 2 किलो तक मांस खिलाना पड़ता है और यही वजह है कि ये इन भेड़ों पर हमला नहीं करती। लेकिन अब इस शेरनी का मालिक इसे इसके पिंजरे के अंदर ही रखता है, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी हो गई है और एक जंगली जानवर खास करके शेर या शेरनी कभी भी अपना रूप दिखा सकते हैं। चलो ये तो काफी समझदार वाली बात थी, लेकिन इनका क्या जो इतने बड़े साइज के शेर को अपने साथ ही फ्लैट में रखते हैं, और तो और ये इनके साथ खेलते भी हैं। और इस शेर को पूरी तरह से आजादी है घर में किसी भी कोने में घूमने की, और इसी वजह से जब एक बार एक फिल्म डायरेक्टर इनके घर में एंटर करते हैं तो शेर उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर को अच्छी खासी चोट भी लग जाती है। खैर शेर के ओनर का कहना है कि वो हमला नहीं कर रहा था, बस वो खेल रहा था। अगर शेर हमला करता तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी इंसान को किस हद तक जख्मी कर सकता है। लेकिन हमारे ख्याल से किसी शेर को अपने घर में पालना बिल्कुल भी सही चीज नहीं है, क्योंकि शेर आजाद जंगलों में रहने वाले जानवर हैं और ऐसी छोटी सी जगह पर रहने की वजह से शेर के दिमाग पर असर पड़ता है और इस वजह से शेर किसी भी वक्त हमलावर बन सकता है। लेकिन लोगों के समझ में तो ये बात आती ही नहीं है, क्योंकि आप इस जैगुआर को ही देख लो जो इस कपल के साथ रहता है। अब पता नहीं इस कपल के दिमाग में ऐसा क्या आया था कि इसे अगर बिल्ली ही पालनी थी तो किसी तरह की बिल्ली ही पाल लेता, लेकिन इस जैगुआर को ही क्यों पाला। दोस्तों ये जैगुआर एक बड़े से घर में रशिया में रहता है इसी परिवार के साथ, जहां पर ये मालिक के साथ सोता तो है ही और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर एक्टिव भी रहता है। और जब इस कपल को ऐसा लगने लगा कि इनका पालतू जानवर अकेले रहने की वजह से बोर होने लगा है, तो फिर इस कपल ने एक और करिश्माई काम किया और एक चीता को अडॉप्ट कर लिया, और अब ये दोनों पालतू जानवर साथ में खेलते हैं। बस हमें यही डर है कि ये पालतू जानवर इस कपल के साथ ना खेलने लगे और खेल खेल में कई बार जान भी चली जाती है। अब अगर हम रशिया आ ही गए हैं तो वहाँ पर एक या दो ही ऐसे सनकी लोग नहीं रहते जो जंगली जानवरों को घर में पालते हैं, बल्कि ऐसे लोगों की तादाद रशिया में बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि ये छोटा सा भालू कुछ लोगों को शहर के काफी करीब भटकता हुआ मिला, जिसे देखकर इन लोगों से भी रहा नहीं गया, क्योंकि इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इस बच्चे की माँ कहाँ पर है। इस वजह से इस बच्चे को अकेले छोड़ना इन लोगों को सही नहीं लगा और ये लोग इसे पाल लेते हैं। खैर इस शख्स ने जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने इस भालू को कुछ लोगों को सौंपा था जो जानवरों का अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन जब इसे ये बात पता चलती है कि ये लोग तो भालू का शिकार करते हैं, तो ये शख्स इसी बात से भालू को रेस्क्यू करता है और तब से ये भालू इसी के साथ रह रहा है। और आज ये भालू 8 फुट से भी ज्यादा लंबा और 250 किलो वजनी हो चुका है, लेकिन इसका मालिक आज भी इसका ख्याल वैसे ही रखता है जैसे बचपन में रखा करता था। दोस्तों ये सब तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये सभी जमीनी जानवर हैं, तो एक बार तो इन्हें पालतू बनाया ही जा सकता है। लेकिन किसी शार्क को पालतू बनाना ये थोड़ा अजीब नहीं है। दोस्तों ग्रेट व्हाइट शार्क के बाद टाइगर ही ऐसी शार्क है जो सबसे खतरनाक मानी जाती है, लेकिन इस डाइवर को तो देखो इतनी खतरनाक शार्क के साथ कैसे सर मिला रहा है। और शार्क चाहे तो एक ही पल में इसका भर्ता बना सकती है, लेकिन शार्क भी जैसे इस डाइवर को बहुत अच्छे से जानती है
लेकिन ये दोस्त कैसे बने? तो ये ड्राइवर इसका सर सहलाकर इसका दोस्त बना है। दोस्तों अगर आपको भी मौका मिले तो शार्क का सर जरूर सहलाना, क्योंकि इस शार्क को देखकर ऐसा लगता है ये कोई कुत्ता या बिल्ली है जो कि सर सहलाने से इतना ज्यादा खुश है कि आप इसकी खुशी इसके चेहरे से देख सकते हैं। खैर अब किसी की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है कि शार्क उसका पेट हो, लेकिन एक भेड़िये को तो आप पेट बना ही सकते हैं ना। दोस्तों ये कहानी है एवाम नाम के शख्स की, जो जब कंट्री साइड के पास से निकल रहे थे तो उन्हें एक आदमी भेड़िये का बच्चा ऑफर करता है। एवाम से बच्चे की हालत तो देखी नहीं जाती, वो उस बच्चे को तुरंत अपने घर ले आते हैं और ये इस बच्चे को शेरी का नाम दे देते हैं। एवाम बताते हैं जब ये भेड़िया थोड़ी बड़ी हुई थी तो भेड़िये ने उनके पैर में काट लिया था, लेकिन एवाम ने भी इसे जानवर की तरह ही ट्रीट किया और इसके कान पर काट लिया। जिस बात का ये फायदा हुआ कि उस दिन के बाद से इस भेड़िये ने एवाम को नहीं काटा। दोस्तों फिर भी किसी भेड़िये को पालना आसान तो नहीं है, क्योंकि भेड़िये को हर दिन 5 या 6 घंटे की वॉक तो चाहिए ही, इसके अलावा रोज ताजा मांस। लेकिन फिर भी अगर हल्की सी चूक इन भेड़ियों की ट्रेनिंग में आ जाए तो ये अपने ऑनर पर भी हमला कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको कई बार बताया है कि हिप्पो से खतरनाक जानवर जंगल में कोई और नहीं होता, क्योंकि इनका इतना बड़ा मुंह किसी भी इंसान के सर का भर्ता बना सकता है, जैसे कि इस तरबूज की तरह ही देख लीजिए। सन 2000 में जेसिका को एक बेबी हिप्पो मिलता है जो कि सिर्फ एक दिन का था, और मोजाम्बिक में बाढ़ आने की वजह से अपनी माँ से बिछड़ जाता है और बस मरने की कगार पर ही होता है, लेकिन जेसिका की वजह से इस हिप्पो को जीवन दान मिलता है और आज इस हिप्पो का साइज आप देख ही सकते हैं। और आज भी जेसिका इसे अपने बच्चे की तरह ही पालती है, लेकिन फिर भी हिप्पो वो जानवर जो शेर से ज्यादा हर साल इंसानों को मार देते हैं, जिस वजह से जेसिका को अब इस हिप्पो को जंगल में ही छोड़ देना सही लगा। दोस्तों आप भी इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अभी तक हमने शेर, चीता, हिप्पो और शार्क को पालते उनते हुए देखा है, लेकिन अभी तक हमने सांप के बारे में कुछ नहीं जाना, क्योंकि उस लड़के का ये पालतू जानवर 15 फुट लंबा पाइथन है। ऐ टाकुआ एक नहीं बल्कि 2 बड़े अजगर को पाले हुए है, जबकि अजगर एक बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं जो कि आपको मारने के वक्त कभी भी दोबारा नहीं सोचेंगे। लेकिन फिर भी ऐट को इन दोनों अजगरों से कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि अजगर तो इनकी बेटी के साथ बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन ऐट तो काफी बड़े हैं, इसलिए अजगर इन्हें खाने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन इनकी बेटी इस 15 फुट के अजगर के लिए बिल्कुल सही शिकार है, इसलिए ऐट को इस अजगर के साथ लड़की को खेलते हुए काफी सतर्क रहना चाहिए। चलो ठीक है अजगर जहरीले नहीं होते, लेकिन अगर कोई जहरीले सांपों को अपना पालतू बनाए हुए है क्या होगा? मिलिए चैंडलर से, जो कि सांपों को अपने वश में करने के लिए एक्सपर्ट है और सांपों को अपने साथ वीडियो में इंस्टा पर भी डालते हैं, जिस पर सांपों को इनके साथ देखकर लाखों में व्यूज आते हैं। दोस्तों जहां पर हम इन सांपों को देखकर ही भाग दौड़ते हैं, वहीं ये इन सांपों को आराम से हैंडल कर लेते हैं, और इनकी एक वीडियो में तो ये इनके सबसे पालतू रेप्टाइल किंग कोबरा को भी शो करते हैं। इसके अलावा भी इनके पास कई सांप हैं, मतलब इनके पास सांपों का पूरा कलेक्शन है, जिसको आप इनके इंस्टा अकाउंट पर जाकर जरूर देख सकते हैं। अब हम आपको एक और डेयरडेविल से मिलाते हैं जिनका नाम है मोक्षा। इन्हें डेयरडेविल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप कभी इन्हें टाइगर और कभी मगरमच्छ के साथ खेलते हुए देखेंगे। इसके अलावा भी ये कई जानवरों के साथ आपको मौज करते हुए दिख जाएंगी, क्योंकि इनका काम ही कुछ ऐसा है। दोस्तों मोक्षा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, इसलिए इन्हें इन जानवरों को बहुत ही करीब से जानने का मौका मिलता है। अब दोस्तों हमारे लिस्ट का अगला पेट इतना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन आप पर अगर ये अपना पैर रख दे तो आपका दम जरूर निकल जाएगा। दोस्तों इस हाथी का नाम मोयो है, जो कि एक बाढ़ के दौरान अपनी माँ से बचपन में ही बिछड़ गया था और ये भी पानी में डूब कर ही मर जाता है, लेकिन इस लेडी की नजर इस पर पड़ती है और इसे अपने घर ही ले आती है, जहाँ पर ये और भी जानवरों की देखभाल करती तो है ही। खैर हाथी तो बहुत ही समझदार जानवर होते हैं, इसलिए इन्हें पालना शेर, हिप्पो, भालू जैसे जानवरों से तो काफी ज्यादा आसान है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, स्वस्थ रहें, नमस्कार।